हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जय हिंद टू एवरीवन। आ जाओ जल्दी से लाइव क्लास, है ना आपकी, आ जाइए। आज मॉर्निंग में नहीं हुई थी ना, चलो अभी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो हमको करने हैं एंड हमको मालूम है कि क्वेश्चंस कितना इम्पोर्टेंट है, तो क्वेश्चन डे को मिस तो कर ही नहीं सकते ना हम, तो आ जाइए जल्दी से, आ जाइए। अच्छा एक बात और, जितने क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं उनको प्लीज़ अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ठीक है, वो टाइम पास नहीं हो रहा, ठीक है। आपने देखा स्टार्टिंग में हमने बेस क्रिएट किया, ठीक है, फिर हमने हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर लगाए फ्रॉम एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू। अब क्योंकि लेवल राइज हो रहा है तो हमको भी अपने स्टैंडर्ड को यू नो लेवल अप करना पड़ेगा, राइट। तो लेवल अप करने के लिए क्वेश्चंस का लेवल भी अब मैंने बढ़ा दिया है, तो लेवल बढ़ा दिया है तो आपको मेरी ज़रूरत तो पड़ेगी, है ना, तो मेरी ज़रूरत है तो मैं आ गई आपके पास। चलो जल्दी से आ जाओ, ऑनलाइन कर लेंगे ना क्वेश्चंस को स्टार्ट। वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद, हरे कृष्णा, आ जाइए ना जल्दी से। रेडी हो आज के क्वेश्चंस के लिए? अच्छा तब तक के लिए जो भी ऑनलाइन है एक बारी जल्दी से मुझे बता देंगे कि कल के सेशन में किसी को कोई डाउट है किसी भी तरह का, तो बोलेंगे कि मैम ये डाउट है इसको ना रिजॉल्व कर दीजिए, तो मैं एक सेकंड में कर दूंगी। बोलो है कोई डाउट? ऑफ कोर्स क्वेश्चन रिलेटेड, ओके, तो यू कैन आस्क मी, इज देयर एनी डाउट? हाँ जी अनिकेत, श्री राधे कृष्ण, आ जाइए। आ गए सभी? अभी सभी इकट्ठे हुए नहीं हो तो जो भी अपने फ्रेंड्स हैं उनको बोलो ना जल्दी से आ जाएं। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, आज हमारा कौन सा है मॉक टेस्ट, जल्दी बोलो, बोलो ना। चलो आज हमारा मॉक टेस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, आपके साथ करेंगे, आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। थैंक यू शुभम। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी कि कौन कौन आंसर दे पाएगा, ठीक है, आई होप सही आंसर दोगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, आपको पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर नहीं है, बता देंगे, हमने तो किया हुआ ये वाला क्वेश्चन एज इट इज उठाकर किया है ना, दे दो आंसर। नहीं भी किया है तो आप थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे आपका निकल आएगा, यूज करो माइंड, बाकी मैं तो हूं ही बताने को, जल्दी से करो। हाँ जी, कौन सा सिंथेटिक फाइबर नहीं है, ध्यान रखना, नहीं, नो पूछ रहा है ना, नहीं पूछ रहा है। दे दिया आंसर, ग्रेट, सही जा रहे हो, मुबारक, होशियार हो रहे हो। चलो मैं दे दूं आंसर, आओ मैं ही दूंगी, ठीक है, आपने दिया है, जितनों ने दिया है करेक्ट दिया है, बिल्कुल सही, ठीक है। यस सिलेबस हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है, नाउ वी आर वर्किंग ऑन द क्वेश्चन सेक्शन, बिकॉज अगेन वी कैन नॉट अटेम्प्ट एनी पेपर विदाउट अंडरगोइंग द प्रैक्टिस सेशंस। सो अभी आपके प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं एंड आपको क्या रहना है, ऑलवेज प्रेजेंट रहना है आपके प्रैक्टिस सेशन में, बस बाकी काम तो मेरा है ना, आपको बस आके बैठ जाना है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। अब मुझे पता है आप बोलोगे कि मैम हमको कैसे मालूम रहेगा कि कौन सा सिंथेटिक फाइबर है या नहीं है, ठीक है, तो अच्छा ये बातें, चलो आपको करेक्ट आंसर नहीं पता होगा, नॉट वाला नहीं पता होगा, बट आपको ये तो पता है, बचपन से पढ़ रहे हो, ईवीएस में पढ़ते थे कि फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स का हल्का फुल्का आइडिया तो होगा ना। तो देखो नायलन पड़ा है, यस मैम ये फाइबर है, यस सिंथेटिक फाइबर है, जी हाँ बिल्कुल है मैम,
क्या रेयॉन, रेयॉन का नाम नहीं सुना? इतनी बारी सुना है भाई, ठीक है, ये भी सिंथेटिक फाइबर है। क्या आपने पॉलिएस्टर का नाम नहीं सुना? यस मैम, ये भी सुना है, ये भी सुना है हमने, तो ये भी सिंथेटिक फाइबर है। अब मुझे पता था कि आपको नॉट वाला नहीं था, पर आपको ये तो पता था ना कि कौन से हैं, तो एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ये तीन तो हो नहीं सकते, तो बचा कौन सा? फर्स्ट वाला, और यही है आंसर, यही है आंसर, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे साथ बिल्कुल ध्यान से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेंट इन पोर्टलैंड सीमेंट? चलो भाई, पोर्टलैंड सीमेंट बहुत बारी बताया है, अब तो मैं चुप हूं, आप ही दोगे आंसर। सेकंड का आंसर मेरे सामने लिख दीजिए फटाफट से। बताओ जल्दी से बताओ, ए बी सी डी क्या होगा आंसर? क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपको देना है, दे दो ना। जी हाँ, कुछ बच्चे सही दे रहे हैं और कुछ बच्चे नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, गलत किया है कोई बात नहीं, हम तो हैं ही यहाँ पे करेक्ट करने को, प्रैक्टिस सेशन में हमको गलत करना अलाउड है ना, अलाउड है। चलो कोई बात नहीं, दे दो आंसर, सभी ट्राई करेंगे जरूर, सही हो गलत हो आप नहीं डिसाइड करोगी, मैं करूंगी, ठीक है, आपको आंसर देना है बस, दे दो। और जितना जोर जोर का स्पैम करते हो ना, उतनी जल्दी जल्दी आंसर लिखो, जल्दी से लिखो, हाँ थोड़ी स्पीड बढ़ाओ अपनी कमेंट सेक्शन की, बस रुक गई स्पीड, क्या हो गया? गलत है, चलो आओ मैं समझाती हूं आपको। एक बात मैंने बताई थी कि पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो मुझे ये बताना भाई पोर्टलैंड सीमेंट होता क्या है। पोर्टलैंड सीमेंट कुछ नहीं होता, मेन कंपोनेंट होता है किसका? कंक्रीट का, ये आपको बताई हुई बात है, बताई हुई है कि नहीं? यस और नो, याद करो वो दिन जब पोर्टलैंड सीमेंट बताया था, हाँ कि ना? हाँ बताया था ना, ठीक है, देखो मेरे साथ देखेंगे, मैं बताऊंगी आपको आंसर। देखो आपको बताया था कि जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है ना, पोर्टलैंड सीमेंट होता है ना, ये क्या होता है? मेन कंपोनेंट होता है किसका? कंक्रीट का। मेन कंपोनेंट है किसका बच्चे? कंक्रीट का, राइट? और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर मैंने आपको इसके इसके जो भी एलिमेंट्स जिनसे ये मिलकर बना हुआ है, ये भी मैंने आपको बताए थे। और याद करो मैंने उसके अंदर क्या क्या बताया था, आपको बताया था कि उसके अंदर क्या होता है? एल्यूमिनेट होता है। जी हाँ बिल्कुल मैम, आपने बताया था, तो लिखो पहली बात एल्यूमिनेट होती है, यस मैम होती है, ठीक है। दूसरी बात मुझे बताना जरा, क्या मैंने आपको बताया था सिलेट होता है इसके अंदर? जी हाँ बिल्कुल, सिलेट भी बताया था मैंने, ठीक है। हाँ जी बताया था कि नहीं, बोलेंगे ना, ठीक है, सिलेट बोलो या फिर आप इसी को ही सिलिकेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, सिलिकेट बोला था। फिर मैंने आपको अलाइट बताया था, यस, ये तीन बताए थे मैंने आपको इसके मेन कंपोनेंट्स, एंड इन पे क्वेश्चन भी था एक बहुत पहले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन था इसका। तो आओ जरा देखते हैं क्या एलिमिनेट एल्यूमिनेट है, सिलिकेट है या अलाइट है। देखो क्वेश्चन के अंदर देखो मेरे साथ, ये एल्यूमिनियम दिख रहा है, यस मैम दिख रहा है, ये क्या हो गया फिर? एल्यूमिनेट हो गया, यस, ठीक है। ये क्या है मेरा? ये अलाइट है। ये क्या है मेरा? अलाइट है। ये क्या है मेरा? ये मेरा सिलिकेट है। एक बात बताना जरा, एल्यूमिनेट सिलिकेट यस एंड अलाइट यस, तो बचा कौन? ये फॉस्फेट तो मैम हमने कभी नहीं सुना, ये फॉस्फेट हमने मैम कभी भी पोर्टलैंड सीमेंट में नहीं सुना है, और वो यही पूछ रहा है नॉट कंटेंट। देखो बातों को ना बड़ा कॉन्सेप्चुअली लेकर चला करो, अगर आपको दूर तक जाना है तो, अगर आपको रट रट के आगे बढ़ना है तो आज आगे बढ़ोगे, दो दिन बढ़ोगे, फिर तीसरे दिन गिर जाओगे,
अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आपको दे देना, आप दे देंगे आंसर, ठीक है। तो अब देखो, ये पोर्टलैंड सीमेंट सबको मालूम था, बट काफी मालूम वाले भी इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि रट्टी है ना तीन चार चीजें, दिमाग लगाना तो आ रहा नहीं है। तो दिमाग के साथ क्वेश्चन करना है, एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत रिक्वायर्ड है। क्लियर? समझ में आया हमने अपनी नॉलेज को किस तरह से इंप्लीमेंट कर दिया, राइट? चलिए अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज यूज फॉर एचिंग ऑफ ग्लास? एचिंग ऑफ ग्लास बताया है मैंने बहुत बारी पहले, बताया चीख चीख कर बताया। क्या होता है ये एचिंग ऑफ ग्लास मैम, जल्दी से बताओ। ये एचिंग ऑफ ग्लास कुछ नहीं होता, जो आपकी ग्लास वेयर्स होते हैं, ठीक है, जो भी आपकी कांच की क्रॉकरीज होती हैं या कांच का कुछ भी मटेरियल होता है, ठीक है, उन पे जो डिजाइनिंग की जाती है, डिजाइन जो ड्राइंग रूम की इतने बड़े बड़े आपके ग्लास वेयर्स लगते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी क्रॉकरी होती है, किचन क्रॉकरी है ना, उसमें भी आप देखते होंगे, उनके अंदर भी हमारे बहुत ढेरों ग्लास के जो ग्लासवेयर्स है यूज किए जाते हैं, तो उन पे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइनिंग होती है। हाँ, ये वाला डिजाइन अच्छा, यही बाय करना है, जिनको आप इतने शौक से बाय करते हो, वो क्या होती है, ग्लास एचिंग के वजह से आप अट्रैक्टेड फील करते हो उसकी डिजाइनिंग के वजह से। तो बोल रहा है डिजाइनिंग के अंदर आपको पता है एसिड यूज किया जाता है, अब वो बोल रहा है कौन सा एसिड बता दो। एसिड तो आप डायरेक्ट ही दे दोगे आंसर, दे दो ए बी सी डी फटाफट से, मैंने खुद ही बोल दिया एसिड यूज किया जाता है। चलो अब आप दे दो आंसर। हो जाएगी प्लेलिस्ट अपडेट, कर दो ना, प्लेलिस्ट कर देंगे, ठीक है। दे दिया कि नहीं दे दिया आंसर, दिया है कि नहीं दिया है, दे रहे नहीं हो आंसर, जल्दी से दे दो ना। ऑल राइट, राइट। देखो आंसर बताने के बाद भी नहीं दे रहे हो, कैसे बच्चों यार आप? अभी बोला ना एचिंग ऑफ ग्लास के अंदर एसिड यूज किया जाता है, एंड इंडीड जितने भी एसिड्स आपको दिए सभी तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है ना, तो दे दो ना आंसर। ए बी सी डी मैम, ए बी सी तीनों है, तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, आंसर क्या बनेगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। हम पार्शियलिटी क्यों करें, हमको तो एचिंग करने से मतलब है, एचिंग के लिए हमें स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, और ये भी स्ट्रॉन्ग है मैम, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, याद करो वो दिन, की मिनरल एसिड जितने भी होते हैं सभी बहुत खतरनाक वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं। बात क्लियर है, बात पक्की है कि नहीं पक्की? से यस मैम, पक्की हो गई बात, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ग्रेट ना, चलो फैब, सही है बिल्कुल। ऑल ऑफ द अबव के साथ जाएंगे हम, तो किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये शायद आपको नहीं आता होगा, बट यस मेरी इच्छा यही है कि आप इसको ट्राई जरूर करें, ठीक है। द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कौन से? बैक्टीरिया एंड फंगाई टू डिग्रेड द एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट्स। ये बात हमको पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे अर्थ को चलाने के लिए या दुनिया वर्ल्ड को चलाने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे ना, तो अब तक जो आपका अर्थ होता ना, वो कूड़े का ढेर बन चुका होता, बिकॉज ऑफकोर्स हम डेली का डेली कुछ ना कुछ थ्रो आउट करते रहते हैं, और उनको डिकम्पोज कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वी शुड बी थैंकफुल टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑलवेज डिकम्पोजिंग में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, चीजों को खत्म करते रहते हैं, ठीक है। वरना अब तक तो स्पेस ही ना बचता अर्थ पे, जिस हिसाब से पॉपुलेशन है, क्लियर। तो अब आपको क्या कह रहा है, द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिग्रेड द एनवायरमेंटल कंटामिनेंट्स इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म्स, ठीक है। कह रहा है ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, हमारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डिग्रेड करके लेस टॉक्सिक बनाते हैं, उस प्रोसेस का नाम बता दो। बस सिंपल सी कहानी थी, दे दो ना आंसर, बोलो ए बी सी डी क्या होगा।
दो ट्राई जरूर करेंगे, ठीक है? ट्राई करना हमारा हक है भाई, जल्दी से करो ना ट्राई। वहां ट्राई करोगे तो नेगेटिव में चले जाओगे अगर गलत होगा, यहीं ट्राई कर लो और यहीं सीख के चले जाओ। दो ए बी सी डी जल्दी से दे दो। अच्छा कोई कह रहा है मैम ए, ओके। कोई कह रहा है ए, ओके। और बाकी बाकी सो रहे हैं? सोना नहीं है, ये सोने का टाइम नहीं है, शाम हो गई, उठ जाओ। अच्छा कोई कह रहा है बी, ओके। कोई सी भी कह रहा है और कोई तो डी भी कह रहा है, वाह वाह ग्रेट, सही है भाई सही है। करो ना ट्राई, सभी करेंगे ट्राई, गूगल नहीं करेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है ठीक है, आई थिंक अब आपका काम हो गया, अब मेरा काम चालू हो गया, ठीक है। चलो मैं ये आंसर दे दूंगी। चलो देखो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा आपका बी। मैम बी कैसे होगा बताओ ना, तो सुनो ना मैं बता रही हूं, आ जाओ। देखो आंसर होगा आपका बी, ठीक है। अब मैम बी कैसे होगा, देखो ये क्या होती है ना, ये एक प्रोसेस होती है, ठीक है, जो क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो आपको पता है ना वीआईपी है, हमारे लिए भगवान है, पता है कि नहीं? अर्थ को क्लीन अप करने का काम कौन कर रहे हैं बच्चे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यस, ओके यस, ठीक है। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है ना, जो ग्रोथ है ना, उसको स्टिमुलेट मतलब बढ़ाता कौन है, ये वाला प्रोसेस ही बढ़ाता है, दैट इज माइक्रो सॉरी बायो रेमिडिएशन, ठीक है, बायो रेमिडिएशन, ठीक है, यही बढ़ाते हैं, ठीक है। और आपको पता है ग्रोथ तो हमको चाहिए, ग्रोथ नहीं होगा तो हमारे जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, आप कह लो कंटामिनेंट्स है, वो नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं होंगे, राइट। अब ग्रोथ बढ़ाता है। अच्छा मैम फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ऐसी क्या बात होती है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टॉक्सिक सब्सटेंस को भी नॉन टॉक्सिक में चेंज कर देते हैं, क्या होता है उनका काम? बेसिकली वो होता कुछ नहीं है, देखो मेरे साथ सुनेंगे। ये जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये ना एक काम करते हैं, ये क्या करते हैं सुनना ध्यान से जरा, ये क्या करते हैं, जो भी कंटामिनेंट्स होते हैं ना आपके, उनसे अपना फूड एंड एनर्जी जेनरेट कर लेते हैं, यानी उनका भी काम चल गया और हमारा भी काम चल गया ना, ठीक है। तो बेसिकली वो उनको लग रहा है हमको खाना मिल रहा है, एंड हमारे लिए तो मतलब हमारा जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो यू नो डिग्रेड हो रहा है, तो दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है हमारे लिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग प्लास्टिसाइजर्स इन पेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये जो आप यूज करते हो प्लास्टिसाइजर्स, ठीक है, पेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इसका यूज क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, जरा जल्दी से बताएंगे ए बी सी डी में से क्या होगा। ओके सूर्य, अच्छा एक बात और, जितने भी प्रेजेंट है क्या करेंगे, सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है, लाइक करेंगे तभी तो अच्छा लगेगा ना, लाइक कर देंगे सेशन को, ठीक है। चलो दे दो ना आंसर। हां जी क्या होगा आंसर, अच्छा आपने मेरे को एक बात बताना जरा,
बायो मैग्निफिकेशन के बारे में नहीं पूछा मैम, ये बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? आपने ये बायो रेमिडिएशन तो समझा दिया, बायो मैग्निफिकेशन व्हाट इज दैट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बताऊं वो भी बता देती हूँ, क्योंकि आज अगर बायो रेमिडिएशन से क्वेश्चन आ चुका है तो टाइम नहीं लगेगा उनको दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछने का, ठीक है? स्मार्ट तो है ही वो आपकी तरह, तो आप भी स्मार्ट बन जाओ, ठीक है? आंसर क्या है? अच्छा आंसर कह रही हूँ, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? ये बेसिकली प्रोसेस होती है, ठीक है, ऑफ एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब जमा करने की, जमा करने की क्या? ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है बच्चे? तो ये देखो दोनों ही एक इस साइड है तो एक इस साइड है, ठीक है? एक बेचारा टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ाई जा रहा है और एक घटाई जा रहा है, ठीक है? किस में होता है ये? इन फूड चेन, फूड चेन के दौरान टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट होते हैं जो अर्थ के ऊपर, उस प्रोसेस को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, क्लियर? चलो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग प्लास्टिसाइजर्स इन पेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? इसका नहीं आंसर दिया ना मेरे को आपने, जल्दी से दे दो भाई, ए बी सी डी क्या होगा? क्या ये होगा? दे एक्ट एज अ फिल्म फॉर्मिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स, या फिर दे रिड्यूस द विस्कोसिटी, दे प्रिवेंट द पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन, या फिर दे प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू द फिल्म एंड मिनिमाइज इट्स क्रैकिंग? चलो मैं दे दूँ आंसर, अच्छा देख रही हूँ मैं, काफ़ी तो करेक्ट दे रहे हो, ठीक है, वेल डन। चलो अब मैं देती हूँ, मेरी बारी आ गई, चलो अब मेरी बारी आ गई, अब आप सुनेंगे। केमिस्ट्री के लिए बुक आप कंटेंट को फॉलो कर लो, दैट्स मोर देन इनफ। वी आर कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग इन द कंटेंट वी आर प्रोवाइडिंग अलोंग विद द क्वेश्चंस टू, सो आई डोंट थिंक यू नीड एनी बुक। इफ़ यू फील लाइक यू कैन हैव अ गुड सर्च ऑन गूगल, ओके? चलिए आंसर मैं दे देती हूँ, आंसर है डी, ठीक है? दे प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू द फिल्म एंड मिनिमाइज इट्स क्रैकिंग, आंसर होगा डी। देखो कितनों ने करेक्ट किया है, आपने मुझसे एक बात नहीं पूछी कि मैम ये प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं, ये तो बताया नहीं, बता दूं? आ जाओ मैं बताती हूँ। देखो प्लास्टिसाइजर्स कुछ नहीं होते, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है? जब किसी सब्सटेंस के अंदर ऐड कर दिए जाए तो उसको सॉफ्ट बनाते हैं, उसको थिन बना देते हैं, ठीक है? क्या बनाते हैं? सॉफ्ट एंड थिन। एंड इनडीड पेंट का हमको ऐसा ही डिमांड रहता है कि हमारा पेंट होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, अगर थिक होगा तो अनइवनली जो वॉल्स पे पेंट होगा, कोई वॉल के एक सेक्शन पे बहुत मोटा मोटा पेंट हो जाएगा एंड कोई वॉल के दूसरे सेक्शन पे थोड़ा पतला पतला पेंट हो जाएगा, ठीक है? तो इवन नहीं आ पाएगा। इवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमको क्या चाहिए? एक प्लास्टिसाइजर की रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए, समझे कि नहीं समझे? और दूसरी बात सुनो, अगर मोटा मोटा होगा तो क्या होगा? पपड़ी जो उतरती है जो फ्लेकी सब्सटेंसेस उतरते हैं आपके पेंट से, वो भी जल्दी उतरना चालू हो जाएंगे, तो इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर यू ऑल, हम लोग के लिए इनफैक्ट, ठीक है? तो हमको क्या करना पड़ता है? प्लास्टिसाइजर्स ऐड करना ही पड़ता है, एंड कर लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन दे दो आंसर फटाफट से। विच फर्टिलाइजर इज एसिमिलेटेड डायरेक्टली बाय द प्लांट? दे दो आंसर। क्या सुपर फॉस्फेट है, क्या म्यूरिएट ऑफ पोटैश है, क्या नाइट्रोलियम है, या फिर ह्यूमस है? ए बी सी डी क्या होगा आंसर, जल्दी से ट्राई करो। हाँ जी, गुड इवनिंग, हरे कृष्ण। चलो अब आंसर कर देंगे, सही सही आंसर करेंगे। देखो बातें नहीं करेंगे, आंसर करेंगे, ये टाइम बातों का नहीं है, आंसर्स का टाइम है।
दो भाई क्या होगा? अच्छा डी होगा, कोई कह रहे डी होगा। अच्छा ह्यूमस होगा, ओके। और कोई कोई ए को भी लगा दो टिक्का, कोई बी को लगाओ, कोई सी को लगाओ, ठीक है, मिक्सिंग कर दो। अच्छा कोई कह रहा अब सी, वेरी गुड, अब सी चालू हो गया, ठीक है। थोड़ी देर पहले डी चल रहा था, अब सी हो गया स्टार्ट, ठीक है, अभी बी हो जाएगा। दिख नहीं रहा, इतना तो दिख रहा है भाई। Which fertilizer is assimilated directly by the plant? देखो मैं बताती हूँ आंसर, आ जाओ मेरे साथ देखेंगे, ठीक है। ये जो नाइट्रोलिम है, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। किस तरह से क्या होता है नाइट्रोलिम का काम, मैम ये भी बता दीजिए, आ जाओ मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। क्या होता है ना, ये जो नाइट्रोलिम होता है ये प्लांट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत जबरदस्त तरीके से, यू नो, एक आप कह लो नेक्स्ट लेवल होता है, ठीक है। क्या होता है मैं बताती हूँ, देखो ये क्या करता है, प्लांट को ना की ग्रोथ को खतरनाक तरीके से तो एक तो बढ़ाता ही है, नो डाउट बढ़ाता ही है, अलोंग विद दैट उसकी जो स्टेम्स होती है ना उसको क्या करता है ये बहुत बुरी तरीके से यू नो थिक कर देता है, ठीक है, थिक कर देता है, जिसकी वजह से प्लांट क्या हो जाते हैं, जो भी उनको डिजीजेस होते हैं ना उसके रेजिस्टेंट हो जाते हैं, यानी उनको यू नो डिजीजेस से लड़ने की यू नो ताकत मिल जाती है। ऑफ कोर्स जब यू नो जैसे आप कहो कि कैसे बोलूं, जैसे अगर आप कहो कि कोई अच्छा हट्टा कट्टा यू नो है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स उसको मारोगे थोड़ा सा लगेगी नहीं, है ना। तो सिमिलरली अगर प्लांट की यू नो थिकनिंग इतनी बढ़िया तरीके से हो गई है, स्टेम इतनी ऊंची लंबी है, ठीक है, और मोटा मोटा प्लांट है, तो क्या वो जल्दी से खराब हो जाएगा, क्या उसको जल्दी से कोई कीड़ा लग जाएगा? नहीं लगेगा ना बिल्कुल, ठीक है। तो ये कौन करता है, नाइट्रोलिम का काम है, ठीक है। तो ये जबरदस्त तरीके से बहुत यू नो इम्पॉर्टेंट है प्लांट के लिए फर्टिलाइजर्स में, ठीक है। नेक्स्ट, विच रॉ मटीरियल इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ग्लास? सॉफ्ट ग्लास के लिए कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया जाता है? दे दो आंसर, ए बी सी डी। सेशन को लाइक कर देंगे जल्दी से सभी के सभी। अरे वर्ड्स पे मत जाओ, इधर चलो, इधर चलो, इसका आंसर को देखो, चलो आंसर को देख लो। देखो इसका आंसर क्या होगा, रॉ मटेरियल पूछ रहा है सॉफ्ट ग्लास के लिए, देखो सॉफ्ट ग्लास, ठीक है, सॉफ्ट ग्लास के लिए क्या होगा ना आंसर, जल्दी बताओ, ए बी सी डी। ट्राई कर लो, मुझे पता नहीं आता होगा पर ट्राई तो करो। चलो आओ मैं ही बता देती हूं, ठीक है, चलो आंसर होगा आपका सी, आंसर होगा सी। देखो क्या यूज किया जाता है, इधर देखो, सिलिका एंड कार्बोनेट का बहुत ज्यादा तरीके से यूज किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ग्लास, ठीक है। तो कौन सा सिलिका एंड कौन सा कार्बोनेट यूज किया जाता है, यहां लिखा है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट SiO2 एंड Na2CO3। कोई बात नहीं, नहीं आता ये आप समझ लो एक आपके लिए लर्निंग क्वेश्चन है, ठीक है, लर्निंग क्वेश्चन है, नई चीज सीख ली आज हमने। आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन
Which one of the following chemical is used in foam fire extinguishers? सबको मालूम है foam fire extinguisher क्या होते हैं? Fire extinguishers तो मालूम है ना? Foam fire क्या होते हैं? वो spray करने वाले, ठीक है? चलो, जैसे हम fire को extinct करना होता है, fire को खत्म करना, हम पानी लेके चल देते हैं ना? वो fire brigade लेके आते हैं, बहुत बड़े-बड़े pipes है ना? तो हम और कई आप देखिए हॉस्पिटल्स में क्या होते हैं सिलेंडर्स लगे होते हैं वो कौन से होते हैं फोम फायर एक्सटिंग्विशर्स ठीक है स्प्रे करने से आग को बुझाने वाले चलो आंसर दो अच्छा थोड़ा फास्ट ओके चलो आंसर दे दो ना आंसर में आपकी बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं वैसे सुबह की जब क्लास होती है आंसर बहुत फास्ट चलते हैं शाम तक क्या हो जाती है बैटरी लो हो जाती है क्या अच्छा 10 मिनट से सी बोल रहे हो ओके अच्छा देखो क्या होगा सी है ओके और कोई कुछ बताना चाहता है ए बी सी डी में से चलो जो सी बोल रहे हैं थोड़ा सा गलत हो गए कोई बात नहीं पर हम सीखेंगे आंसर है एल्यूमिनियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट है ये अगेन आपका एक लर्निंग शॉट हो गया आज के लिए ठीक है आओ एल्यूमिनियम सल्फेट किस तरह से मैं बताती हूँ ये जो फोम फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ये पता है कैसे काम करते हैं आपको पता है ये जो होते हैं ना जैसे जैसे हमने इनको स्प्रे किया ठीक है ये एक शीट टाइप बना लेते हैं जो सब्सटेंस जल रहा है उसके आर पार शीट टाइप बना लेते हैं एंड एक बात बताओ पहले तो बर्निंग के लिए हमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है इनफ ऑक्सीजन चाहिए राइट इनफ ऑक्सीजन चाहिए बिना ऑक्सीजन के क्या बर्निंग हो पाएगी बिल्कुल नहीं हो पाएगी राइट तो ये क्या करते हैं जैसे हम इनको स्प्रे करते हैं जिस सब्सटेंस के ऊपर भी आग लगी है ठीक है जैसे हम उसको स्प्रे करते हैं उसके ऊपर एक ब्लैंकेट टाइप बना लेते हैं कवरिंग टाइप बना लेते हैं जो इंटर्न क्या करता है ऑक्सीजन के साथ जो कॉन्टैक्ट है उसको कट कर देता है ऐसे ब्लैंकेट बन गया नीचे सब्सटेंस ऊपर जहां ऑक्सीजन का एरिया ठीक है बीच में ही आ गया तो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट खत्म हो चुका है ठीक है तो बेसिकली ये कॉन्टैक्ट को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को ऑक्सीजन के खत्म कर देता है और जहां ऑक्सीजन नहीं वहां तो बर्निंग हो ही नहीं सकती पड़ा होगा इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है ठीक है तो आपका है एल्यूमिनियम सल्फेट विच व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोलिम अभी देखो नाइट्रोलिम के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन पूछा था आप दूसरे तरह से आ गया पूछने चालाक हैं ये पर आप तो उनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो ना दे दो आंसर नाइट्रोलिम नाइट्रोलिम क्या होगा नाइट्रोजन एंड लाइमस्टोन या फिर कैल्शियम कार्बाइड एंड नाइट्रोजन या फिर कैल्शियम कार्बाइड एंड कार्बन या फिर नन ऑफ दिस ए बी सी डी दे दीजिए आंसर क्या होगा आंसर दे दो बी दे रहे हो ओके कुछ बी दे रहे हैं बाकी क्या दोगे अच्छा कुछ तो बी दे रहे हैं व्हाट अबाउट अदर्स वो सिर्फ सुन रहे हैं कथा चल रही है क्या आंसर भी दो ना चलो मैं ही दे देती हूँ आपको नहीं आता है तो ठीक है आंसर होगा बी किस तरह से होगा आंसर बी आओ मैं बताऊं चलो मैं बताऊंगी अब मेरे साथ देखेंगे ठीक है क्या होगा सी ए सी एन टू इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोलिम चलाक है इन्होंने क्या किया नाइट्रो और लिम जोड़ के नाइट्रोजन और लाइमस्टोन बना दिया अब जो तो लगे तुक्का मारने वो तो ए को ही करके आएंगे ठीक है और वहां आपका गलत वहां आप साइड में
वहां आप कितने रैंक से पीछे, एक क्वेश्चन गलत कितना रैंक पीछे हो गया भाई, ठीक है, वो आपको फंसाएंगे, पर आप तो नहीं फंसोगे ना, आपको तो आता है, दे दो ना आंसर, ठीक है, क्या होगा, कैल्शियम साइनाइड, ठीक है, ये होता है आपका नाइट्रोलिम का फॉर्मूला। अब बात आती है मैम ये बनता किस तरह से है, आपने तो यहाँ पे ये मार्क करवाया है, तो यही होता है एक्चुअल में, ये जो CaCN2 है ना, ये बनता पता है कैसे है, कैल्शियम कार्बाइड का जब आप रिएक्शन करवाते हो ना बच्चे नाइट्रोजन के साथ, तभी तो बनता है ये नाइट्रोलिम, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट पाउडर्ड चारकोल एंड सल्फर कॉल्ट, ABCD, क्या होगा आंसर, ये तो मैंने करवाया, अब ये नहीं किया ना, फिर देखना, जल्दी से दे दो आंसर, ये तो करवाया हुआ क्वेश्चन है, सोचो पढ़ा था किसी जमाने में, सोचो ना, पढ़ाया आपने, पक्का पढ़ा है, ABCD। अच्छा कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, है ना, देख के आते कितने क्वेश्चंस तक पहुंच गए, शायद एक आधा देख लेते हैं हम भी, है ना, देखो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। कंसिस्टेंसी मेंटेन रख के चलोगे तभी NDA आपके लिए लॉयल हो जाएगा। ये तो सही भी दे रहे हो आंसर, ग्रेट, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी जब मैं आपको एवरीडे केमिस्ट्री पढ़ा रही थी ना, तब पढ़ाया था मैंने आपको ये, ठीक है। चलो मैं बताती हूँ आंसर होगा, चलो अब तो कंफर्म ही करना, अब तो आपको करेक्ट ही है ना, अब तो आपको कंफर्म करना है, चलो कंफर्म करो आंसर क्या है, डी, दैट इज गन पाउडर। अब ये मत बोलना कि मैम आपने गन पाउडर नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैंने पढ़ाया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो आओ, फ्लिंट ग्लास इज ऑप्टेन्ड, देखो ग्लास पे बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत फेवरेट टॉपिक है उनका लग रहा है। फ्लिंट ग्लास इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, फ्लिंट ग्लास किस से ऑप्टेन होता है, कैसे बनता है, क्या वो जिंक बेरियम और बोरोसिलिकेट से मिलकर बना है, क्या वो सैंड रेड या फिर पोटेशियम कार्बोनेट से मिलकर बना है, या सोडियम एल्यूमिनियम बोरोसिलिकेट, या फिर प्योर सिलिका एंड जिंक ऑक्साइड। ABCD आंसर आप देंगे, क्वेश्चन मैंने बोल दिया, दे दो आंसर। चलो मेरे को लगता है आपको ये वाला आंसर तो नहीं आता होगा, नहीं आता ना, आता है कईयों को तो आता है, चलो कोई बात नहीं, नहीं आता तो मैं ही सिखाऊंगी ना, आ जाओ। आ जाओ आर्ट्स वालों एक ही बात लिखी हुई है, आर्ट्स वालों को कैसे करना है आपको बताया ना, सब कुछ तो मैं बेसिक से बताती हूँ, आप अगर नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो ना तभी भी मैं आपको इतना बेसिक से बताती हूँ, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई शिकायत आनी चाहिए। अगर आप स्टिल न्यू हो तो आप पहले तो एक काम करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे आप जो भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोज़ हैं उनको गो थ्रू करो, ठीक है, एंड फिर कोई डाउट आता है फिर तो मैं हूँ ही यहाँ पे, ठीक है। चलो हाँ जी ठीक है, आंसर सही है, सही है आपका आंसर होगा बी, सही है, सही कह रहे हो, मुबारकें, होशियार हो रहे हो, सैंड रेड लेड एंड पोटेशियम कार्बोनेट। चलो अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन,
पहुंच रहा है आपके पास, तैयार हो जाओ। चलो चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द स्टेट ऑफ ग्लास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द स्टेट ऑफ ग्लास। अब ये मत बोलना मैम नहीं आता, बस फिर बहुत बुरी बात होगी। दे दो आंसर, ये बताई हुई बात है, सबको पता है इसका आंसर, दे दो जल्दी से दे दो। जो भी प्रेजेंट है लाइक तो कर दो ना सेशन को। कोई पूछ रहा है मैम फ्लिंट ग्लास क्या होता है। फ्लिंट ग्लास बेटा कुछ नहीं होता है, ग्लास की कैटेगरी होती है। मैम कौन सी कैटेगरी है ये तो बताओ। सुनो ना, जो टेलीस्कोप होते हैं ना आपके, उनके अंदर जो ग्लासेस फिट किए जाते हैं वो फ्लिंट ग्लासेस ही होते हैं, ठीक है। एंड कई कई जगह पे देखो कलरफुल भी होते हैं ये, ठीक है। बस इतना ही जानना है आपको फ्लिंट ग्लास के रिलेटेड। चलो आंसर दो। आंसर कह रहे हैं बी है, वाह जी वाह, बिल्कुल सही जा रहे हो, आंसर सही में ही बी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने भी बी दिया है, मुबारके, होशियार हो रहे हो। बात आती है मैम, ये बात ना हमने पढ़ी है, पर कॉन्सेप्ट क्या है मुझे तो कॉन्सेप्ट भी बताना है। चलो कॉन्सेप्ट बताएंगे। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये जो ग्लास होता है ना, ये आपका ग्लास, इधर बताऊं, रुको, ये देखो इधर देखो, जो आपका ग्लास होता है ना बच्चे, ये एक्चुअल में होता क्या है, ये एक्चुअल में ना इसको क्या कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड। देखो यहां पे लिखा है सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। सुपर कूल्ड लिक्विड तो कहते हैं मैम, पर क्यों कहते हैं ये नहीं पता, पता है तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो दोनों ही बच्चे आ जाओ, जिनको आधा पता है और जिनको बिल्कुल नहीं पता, मैं बताऊंगी, मैं सिखाऊंगी। देखो क्या होता है सुपर कूल्ड लिक्विड, क्यों होता है, क्योंकि ये ना एक अमॉर्फस सॉलिड होता है। अमॉर्फस सॉलिड तो पढ़ाया भाई मैंने, ये मत बोलना कि मैम नहीं पढ़ाया, अमॉर्फस सॉलिड पढ़ाया था। और याद करो इसका एग्जाम्पल भी दिया था आपको कि एक तरह का ये ना सूडो सॉलिड होता है, कौन, ग्लास, यानी झूठे वाला सॉलिड होता है, दिखता है सॉलिड की तरह बट एक्चुअल में सॉलिड होता नहीं, ठीक है। कैसे, आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था मैंने, जैसे आप एक ग्लास की क्रॉकरी ले लो, ग्लास ले लो, ठीक है। आप देखते हो जब आप नए नए लाते हो ग्लास, ठीक है, तो आपका क्या होता है, इवनली बना होता है, बिल्कुल सही, मजा सही सेट चल रहा होता है सब कुछ। बट आफ्टर सम ईयर्स, आफ्टर सम ईयर्स लगा लो 3 से 4 साल बाद, यानी जब चीजें थोड़ी पुरानी होनी शुरू हो जाती हैं, तो ये जो ग्लास होता है ना, ये क्या होता है, ऊपर से ना बहना शुरू हो जाता है, यू नो फ्लो करना चालू कर देता है, ये ऊपर से बह के ना नीचे आके एक्यूमुलेट होता है एट द बॉटम, बॉटम पे क्या होना शुरू हो जाता है, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मतलब जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड इस वजह से ये ऊपर से तो क्या हो जाता है, थिन, ऑफ कोर्स होगा भी, क्योंकि ऊपर से तो बह के नीचे आ रहा है, एंड नीचे से क्या हो जाता है, ये थिक, ऑफ कोर्स होगा भी, क्योंकि ऊपर से बह के नीचे आ रहा है, ठीक है। एंड बहना चले आना, रीजन भी पता है आपको, ठीक है। हाँ जी, 12th class में पढ़ा होगा आपने, बिल्कुल सही कह रहे हो, 12th class में सॉलिड स्टेट आपका एक चैप्टर है, उसमें आपने पक्का पढ़ा हुआ ये बात, ठीक है। चलो चलो आंसर दे देंगे अगला। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड इन ब्यूटी पार्लर फॉर हेयर सेटिंग्स। जो हेयर सेटिंग स्प्रेज यूज करते हैं बॉयज यूज करते हैं ना एकदम स्पाइक्स करने के लिए, या फीमेल्स भी यूज करती हैं, ठीक है, तो वो कह रहे हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं, कह रहे विच वन ऑफ द केमिकल, उसके अंदर कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है। आंसर दे दो आप, ट्राई करेंगे जरूर,
जो चीज यूज करते हो उसको मालूम भी रहना चाहिए आपको। अब क्या हो गया, रुक जाओ एक सेकेंड। वेट वेट, रुक जाओ स्क्रीन, रुक जाओ एक सेकेंड, रुक जाओ। एक सेकेंड रुक जाएंगे, प्लीज रुक जाइए ना। हाँ जी सर, लाइट जाती है ना सर। चलिए अब विजिबल है ना सब कुछ, चलिए ग्रेट। चलेंगे हम आगे। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज इन ब्यूटी पार्लर फॉर हेयर सेटिंग। हेयर सेटिंग में कौन सा जो है केमिकल यूज किया जाता है, जल्दी से दे दो आंसर। आता है तो दे देंगे, नहीं तो मैं ही करवाऊंगी। आंसर होगा आपका ए, आंसर है ए। ये आप कह लो एक और आपके लिए क्या है, एक कैप्सूल सा क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, ठीक है। आपके माइंड में फिट कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये लो, ये आपके लिए हो गया एक कैप्सूल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एंड अब दो लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा सेशन खत्म हो जाएगा, तो अब दोनों क्वेश्चन सही कर देना, ठीक है। चलो, द मेजर कंपोनेंट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लासेस, ठीक है। आंसर दे दो, मेजर कंपोनेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लासेस के प्रिपरेशन में कौन सा यूज किया जाता है। दो, ए बी सी डी ट्राई जरूर करेंगे, बोला ना ट्राई करना है आपको। करो आंसर, सबको पता है भाई, सिलिका भी बताया था ना मैंने, सिलिका भी बताया था मैंने आपको, तो ए होगा आंसर, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेफ्टी मैचेस। चलो दे दो आंसर, कौन सा सब्सटेंस यूज करा जाता है। दो आंसर, ए बी सी डी, क्या होगा आंसर। याद करो ये बात, मैंने आपको बताई हुई है, प्लीज याद करो, क्वेश्चन को ढंग से समझो। कह रहा है सेफ्टी मैचेस के अंदर क्या यूज किया जाता है, यूज करते हो मैचस्टिक, वो ही पूछ रहा है।
बताओ ना जरा क्या यूज होता है, बताई हुई बात है, अगर इसका आंसर नहीं दिया गलत बात। ग्रेट, सबने सही दिया है, मुबारके, होशियार हो रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। चलिए चलिए, आंसर होगा आपका हर हाल में ए ही होगा मैम, नहीं तो हमको आता ही है। चलो क्या होता है आपका, ये जैसे ऐसे मैच स्टिक होती है आपकी और उसके आगे ऐसे ये पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन क्या होता है, रेड कलर का होता है। अब रेड होता है इसीलिए इसको रेड फॉस्फोरस नहीं कहते। आपको एक बात बताई थी कि ये जो रेड फॉस्फोरस होता है ना, ये कैसा होता है, बहुत ज्यादा आग, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, स्टेबल नहीं होता, रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ए होगा आपका आंसर। सो एक बात और सुनेंगे, जितनों ने भी आज का सेशन अटेंड किया क्या करेंगे सेशन को, तो एक तो पहले तो लाइक कर देंगे, लाइक करने के बाद क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, वो तो हमको पता ही है, और तीसरी बात सब्सक्राइब कर लेंगे जो न्यू है, ठीक है, एंड चौथी बात अपने आंसर्स भी लिख के बता देंगे मेरे को कमेंट सेक्शन में, ठीक है, फिर मैं रीड कर लूँगी, ठीक है, एंड जो डाउट्स होंगे फिर मैं कल की क्लास में आपके ले लूँगी, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए स्टे सेफ, जय हिंद, हरे कृष्णा, कल मिलेंगे सेम टाइम पर, बाय बाय।